तो पलवल में बिल्कुल आम लोगों से राह चलते सड़क पर, क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम टेक चंद है। टेक चंद, कहाँ के रहने वाले हो? बघोला के, जिला पलवल। जिला पलवल हरियाणा। क्या हाल चाल है? बस बीमार सो अभी जो डेंटल के पास से आया हूँ काम करा के। आया दांत की परेशानी? हाँ 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 जी। गाँव देहात में क्या माहौल चल रहा था? बढ़िया चल रहा है, हर तरह से ठीक ठाक अमन चैन। आया आप बघोला में पुल बन रहा, उससे समस्या तो आ ही रही है रोड पर चलते फिरते। और आपका गांव जो है वो किस हलके में आता है चुनाव वाले? ये पंथला क्षेत्र में आता है और दोनों तरफ जोर चल रहे हैं जी, रघुवीरा के भी चल रहे हैं औरों के भी चल रहे हैं। पिथला, पिथला क्षेत्र पड़ता है वो, किस में आता है? ये ना यही है हरियाणा में। नहीं, हल्का कौन सा है? हल्का पिथला हल्का इसमें आ रहा है, ये पलवल, पलवल का हल्का है और ये पिथले का भी इसमें। तो पलवल में तो वो उनका मंगला जी का टिकट कट गया। अब उसका है मंगला नाम तो वो कर रहे हैं वो गौरव गौतम, गौरव गौतम। और वहाँ पर भाई सुनने की बात टेक चंद शर्मा को दे रहे हैं। किसको? टेक चंद शर्मा को, बीजेपी की। अरे हम कह रहे करण दलाल को मिले कांग्रेस से? ये तो यहाँ है पलवल में जी, हमारा बघोला जो पृथ्वी में पड़ता है। अच्छा। हाँ ये पृथ्वी क्षेत्र यहाँ से 4-1 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर। तो क्या लग रहा है गांव देहात में लोग क्या बात करते हैं? देहात में चर्चा तो कांग्रेस की चला रखी है लोगों ने। सब जात बिरादर में? सब सवन में चल रहा है। नवा ये सरकार से दुखी है ये कहते हैं। किस बात से? क्यों दुखी है रे? के है कुछ है करे कुछ भाई मुँह का मेरे लिए तो करे है। मैं तो सर बात करने दे, मैं तो भैया सरकारी नौकर हूँ, तो सरकारी को राम राज हो, मुझे तो भैया सरकार की तरफ ही चलना। रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। और मेरे महाराज सतपाल जी जो या बीजेपी के वो है, तो मैं तो भैया उसकी दुख। उत्तराखंड के जो सतपाल महाराज जी हैं वो मेरे गुरु जी हैं। वो तो पहले कांग्रेस में थे और वो छोड़ दी थी कांग्रेस, जब अमिता साहब वगैरह हुआ बताए जब कांग्रेस छोड़ दी वो चले गए बीजेपी में। आप भी चले गए? मैं भी भाई, जो भाई गुरु के शिष्य तो चेला रहेंगे चाहे वो कहो या ना कहे। देखो यदि हम उनकी वो ना करें तो भाई उल्लंघन होता है गुरु का, और गुरु मुंह से भी नहीं कहता कुछ, ये तो शिष्य के ऊपर। गुरु भी तो हवा देख के पार्टी बदल रहे हैं। वो बदले पर हम तो ऐसे, जहाँ हमारे भाई बंधु ज़्यादा समर्थन होगा उसके भाई हम जयकार कर देंगे, जयकार करेंगे कांग्रेस। सुन रही चाचा की? हाँ सुन रही, हमें सुन रही, आप बताएं। मतलब कैसे काय को चल रहे बताओ? आए इधर। अरे मैं ऐसे ही देख रहे हैं, बारिश हो रही थी तो मैंने थोड़ा सोचा लोगों से राय बात किया जाए हरियाणा के। आप क्या करते हैं? मैं बस स्टैंड मार्केट का प्रधान हुआ है, सुरेंद्र मंगला मेरे नाम है। मंगला जी आप लोग का तो दबाव है, आपका तो मंगला जी का टिकट ही कट गया बीजेपी से। माने काम ही कहाँ करे यार पलवल के अंदर, वो काम करता तो टिकट ही क्यों करती हो, अक्सर में फेल गए हो सगरो। माने काम ही ना करे, माने जाति की शर्म ना करी, माने जाति के अपनी काम ना करे तो कहाँ से टिकट मिले भाई। अब पंडित है नया लड़का आयो आयु एक काम ही करेगा यू, और आज पलवल नया लड़का रहो, नए बालक सब साथ रहेंगे और सब समाज वक्त साथ रहेगा, बनिया भी सब संग रहेंगे, वाकई ऐसी बात हो ना है। और पूरे लड़ेगा वो पलवल शहर में तो बड़ा हालत खराब है। कौन के हालत खराब है पलवल में जी? एक भी बस अड्डे पे यहाँ लगा ले कम से कम 100 दुकान है, 100 दुकान में ज्यादा 3 दुकान कांग्रेस की होंगी, नहीं बाकी सब बीजेपी के। अरे इधर आओ, मैं ये थोड़ी कह रहा कि दुकानदार देश भर में दुकानदार ज्यादातर बीजेपी के, इसमें क्या बात है? फिर और कौन को धारण दो जी बताओ आप, कौन सी बिरादरी को धारण ले वहाँ को धारण दूँ मैं आप पे? वो बिरादरी की बात नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ कि बारिश में मैं अभी गांधी आश्रम गया था, घुटने के नीचे तक पानी लगा था। अभी मैं दूसरे उधर मोहल्ले में गया था, रेलवे स्टेशन की तरफ, एकदम हालत खराब थी। यहाँ की हालत के बारे में बताऊँ जी, पहले कांग्रेस शासन हो वहाँ में क्या बड़े बड़े पाइप मंजूर हो गए, इतने पाइप में गिर दे पानी, पाइप में जाए ना सिर्फ रोड में उड़ के पड़े हो पानी हो, नहीं तो साहब गिरे ही ना नहीं रोड पे जी बड़े बड़े पे। इसका मतलब कि कांग्रेस सरकार में और काम नहीं हुआ था, आप ये कह रहे हो? कांग्रेस सरकार में काम ही कहाँ है, रोड पे तो चीज हो रही गई सारी, 2 महीना उड़ के बाहर भग जाई हूँ, काम ही कहाँ है कांग्रेस में? काम तो आप देखो पुल बने हो, जाम खत्म है, वहाँ तो पहले जाम ही जाम रहे हो पूरे शहर में, अब कहीं जाम है कहीं भी जाम रहे हो आप।
केएमपी बना दियो कि बीजेपी के तरफ बना दियो, और देखो सबरे सबरे रोड एकदम खाली, पलवल एकदम सुंदरता देखो आपके आज पलवल शहर के अंदर कितनी सुंदर। दूसरी बात ये है कि बीजेपी की सरकार बन पाएगी? सरकार डंका की चोट पर बीजेपी सरकार बन रही है, चाहे कोई कितने जोर लगा लीजिए, कांग्रेस तो आई न रही।